किसान साथियों, अगर आप परंपरागत खेती करते हो तो उसके साथ आप जनवरी महीने में 10 सब्जियां लगा सको, अच्छी इनकम उससे ले सकते हो। तो साथियों, पहली सब्जी की बात करें तो आप लौकी लगा सकते हो। इस समय ये समय बहुत अनुकूल है जनवरी का, लौकी लगा सकते हो और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो इसके अच्छे रेट बाजार में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात करें तो भिंडी की, साथियों इस समय लगाई हुई भिंडी का अगर जब हार्वेस्टिंग होगी, जब इसकी तुड़ाई होगी, बाजार के अंदर आएगी, तो फिलहाल उसका रेट है वो 40 या 50 70 रुपये तक भिंडी का रेट बाजार में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा रेट है साथियों, किसान के हिसाब से आय दुगना करने के हिसाब से। तो किसान आवाज यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लो साथियों। बात करें जनवरी महीने के अंदर हरी मिर्च लगा सकते हैं, 15 या 20 जनवरी के आसपास हरी मिर्च अगर हम लगाते हैं तो इसमें वायरस का अटैक है वो नाममात्र हो जाता है, यानी न के बराबर वायरस का अटैक है वो रहता है इस समय। साथियों हरी मिर्च के अंदर अगर जब हार्वेस्टिंग होकर बाजार में आती है तो उसका भी सही रेट बाजार के अंदर हमें मिलता है। अगली बात करें शिमला मिर्च, तो जनवरी महीने में हम शिमला मिर्च लगा सकते हैं। थोड़ी इसकी मेहनत है, वह ज़्यादा होती है जनवरी महीने के अंदर, क्यों आड़ कपा देने वाली ठंड इस समय होती है। फिर करेले की बात करते हैं तो करेले का भी 50 या 60 रुपये के लगभग भाव मिल जाते हैं, तो जनवरी महीने के अंदर 15 या 20 जनवरी के आसपास हम करेले की बुआई है वो कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा करेले की बुआई से कमा सकते हैं। बात करें तो तरबूज की, अगेती तरबूज की बिजाई और खरबूज की बिजाई हम इस समय कर सकते हैं, और तरबूज और खरबूज जब मार्केट के अंदर आता है इस समय अगेती बुआई का, तो अच्छा रेट देकर जाता है। एक तरबूज के अंदर निमाटोड की जो समस्या है उसके अंदर, उससे बहुत नुकसान होता है, उसकी जल्द ही वीडियो किसान आवाज यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो फिर साथियों जनवरी के अंदर हम ककड़ी त्योरी की भी बिजाई कर सकते हैं इस समय। प्याज की बात करें तो रबी सीजन का प्याज है वो, इस समय हम उसकी बिजाई कर सकते हैं जनवरी के अंदर, और इसकी रख रखाव है हम मई या सितंबर अक्टूबर तक इसका रख रखाव करके हम इसको बचा कर रख सकते हैं, यानी इसका भंडारण हम सितंबर या अक्टूबर तक कर सकते हैं। और आगे पिछती पालक या धनिया की बिजाई भी हम इस समय कर सकें, हाँ, ताकि अब का बोया हुआ धनिया जो बाजार में आवे तब उसका अच्छा रेट हमें मिल जाए। तो धन्यवाद साथियों, कैसी लगी जानकारी जरूर बताएं। किसान आवाज़ यूट्यूब चैनल ने एक बार सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।